इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 9, भारत और समकालीन विश्व 1, अध्याय 4, वन समाज और उपनिवेशवाद, जिसमें जंगलों में रहने वाले आदिवासियों से लेकर वहां पर जो भी पेड़ पौधे उत्पन्न होते हैं उसके बारे में, और हमारे अंग्रेज जब आए, उनका जब शासन हुआ, उपनिवेशवाद, व्यापारों का संगठन, उनके वजह से क्या क्या दिक्कतें झेलनी पड़ी हमारे हिंदुस्तान और विश्व को, जिसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये खंड दो है। खंड दो में आपको जीविका, अर्थव्यवस्था एवं समाज के बारे में पढ़ना है। खाने योग्य और हमारे जरूरत के हिसाब से जो चीज हमें चाहिए उसके बारे में, और हमारे समाज कैसे कैसे थे, ये दो चैप्टर के माध्यम से आपको बताया जाएगा। आपने स्कूल और घर के चारों ओर नजर दौड़ाकर उन सभी वस्तुओं को पहचाने जो जंगल की है। जैसे मैं इस किताब का कागज, जो किताब आप पढ़ रहे हो उस किताब का कागज भी पेड़ के लकड़ियों के वजह से बनता है। मेज, कुर्सियां, दरवाजे, खिड़कियां, वे रंग जिससे आपके कपड़े रंगे जाते हैं, मसाले, आपकी टोपी के सेलोफेन रैपर, जो टाइट वाला हिस्सा होता है उसको, बीड़ियों में तेंदु पत्ते, जैसे तंबाकू भी एक तरह से जंगल का ही भाग है, गोंद, शहद, गोंद का पेड़ होता है, शहद मधुमक्खी के छत्ते से आता है, कॉफी, चाय और रबर। साथ ही चॉकलेट में इस्तेमाल होने वाला तेल, जिसका जो आता है साल के पेड़ से, तो साल के बीजों से निकाला जाता है उसको। खाल से चमड़ा बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाला चर्म शोधक, जिसको बोलते हैं टैनिक, या दवाखाना के दवाओं के रूप में इस्तेमाल होने वाली जड़ी बूटी, बहुत सारे जड़ी बूटी के इस्तेमाल से दवा बनता है, इन सबको भी हमें नहीं भूलना चाहिए। और हाँ, बांस, जलावन की लकड़ी, घास, कच्चा कोयला, जो सबसे कच्चा पूरा काला काला होता है, जब पहाड़ से उसको तोड़ कर लाते हैं, फिर उसको जलाना पड़ता है, तब वो कोयला पक्का बनता है। पैकिंग में उपयोग होने वाली वस्तुएं, फल फूल, पशु पक्षी और वे ढेर सारी चीजें जो जंगलों से ही आती है, जैसे में अमेजन और पश्चिमी घाट के जंगलों के एक ही टुकड़े में, मतलब एक ही जगह पे, एक ही इलाके में 500 से पौधों की 500 अलग अलग प्रजातियां मिल जाती है। कोई भी क्षेत्र में चले जाओ, वहां पर जड़ी बूटी से लेकर हर चीज उपलब्ध है, लेकिन हमें उसका मतलब, अर्थ नहीं पता है कि इसका इस्तेमाल किस किस कार्यवर्ष किया जा सकता है, कौन से काम में आएगा। जैसे में आप देखते हो कभी कभी जंगल झाड़ी में एक गुड़मी जैसा, गुड़मी आप नहीं देखे होंगे, लेकिन जो गांव में रहते हैं वो गुड़मी जानते हैं। गुड़मी खाने से पेट साफ रहता है, घाव पर लगाने से, चाहे शरीर पर लगाने से शरीर पर चिकनाहट आती है, चाहे गुड़मी हरा हो, चाहे काला काला, चाहे लाल हो, वो सब फायदेमंद होता है। ये घास आता था, छोटे छोटे 2-3 इंच के होते थे, उसको पहले हम लोग वहां से नोच कर खा जाते थे, एकदम खटमिठी अचार जैसा लगता था, लेकिन आज वो घास नहीं है, है भी तो लोग उसको खाता नहीं है, क्योंकि वहां पर थूकना, बाकी सब कचरा करना, क्योंकि वहीं पर वो होता था, लेकिन पहले के जमाने में सब जगह साफ होते थे। हमारे घर के पीछे वाला जो इलाका होता था उसमें एकदम जमीन पे, जो जहां से चलते आते थे वहां पर ही डनेर पर वो सब होता था। खाने से एकदम समझ लो गैस की बीमारी खत्म, पेट की बीमारी खत्म, दर्द की बीमारी खत्म। तो इन सब में उपयोग होता है, लेकिन हमें उसका उपयोग नहीं पता है। अब यह विविधता तेजी से लुप्त होते जा रही है। औद्योगिकरण के दौर में सन 1700 से 1995 के बीच, पूरे कितने साल में, 2-3 साल के करीब में, 139 लाख वर्ग किलोमीटर जंगल, यानी दुनिया के क्षेत्रफल का 9.3% भाग औद्योगिक इस्तेमाल के लिए, खेती बाड़ी के लिए, चरवाहों और ईंधनों की लकड़ी के लिए साफ कर दिया गया है। 139 लाख वर्ग किलोमीटर, ये जमीन कोई आम जमीन नहीं होता है, बहुत बड़ा जमीन होता है। ये घूमते घूमते महीनों 2 महीनों बीत जाएंगे, क्योंकि वर्ल्ड के, पूरे विश्व के 9.3% बहुत ज्यादा जमीन होता है ये।
ये आप जंगल में देख सकते हैं, ये छत्तीसगढ़ का जंगल है, साल के जंगल, मतलब यहाँ पर साल के वृक्ष बहुत ज्यादा है। यहाँ से सारे पेड़ काट लिए गए हैं लेकिन फिर भी जंगल अभी है। ये लंबा लंबा दिख रहा है साल का वृक्ष है, ये जो टहनिया दिख रही है ये दूसरे किसी पेड़ का लताएं हैं, चाहे कोई पौधा होगा। ये नीचे सब दिख रहा है, ये भी अलग अलग प्रजाति है, जड़ी बूटी में भी इसका इस्तेमाल होता है। अब किस बीमारी में इसका इस्तेमाल होता है ये हर किसी को नहीं मालूम होता है। तो ये ऐसा जंगल है जहां पर धूप की किरणें भी ठीक से नहीं पहुंच पाती है। देखो नीचे ठीक से दिख भी नहीं रहा है क्योंकि सूरज की किरण यहाँ पर सीधे नहीं आ सकती है क्योंकि बहुत घना जंगल है ये। अगला विषय है वनों का विनाश क्यों, वनों को हम इतना बर्बाद कैसे हुआ, लोग कैसे होने देते थे। वनों के लुप्त होने को सामान्यतः वन विनाश कहते हैं। वन जब लुप्त होता है उसको वन विनाश कहा जाता है। वन विनाश कोई नई समस्या नहीं है, वैसे तो यह प्रक्रिया कई सदियों से चली आ रही है, लेकिन औपनिवेशिक शासन अंग्रेजी शासक के दौरान, जब अंग्रेज राज करते थे तो उनके दौरान इसने कहीं अधिक व्यवस्थित और व्यापक रूप से गहन कर लिया, क्योंकि उनके अनुसार घर बनाने के लिए जो भी उनके भवन बनता था, नाव बनता था, गाड़ी बनता था, इन सब में लकड़ी का ही इस्तेमाल किया जाता था। आइए भारत में वन विनाश के कुछ कारणों पर गौर करते हैं। जैसे में जमीन की बेहतरी, कि जमीन अपने हिंदुस्तान में कैसा था। सन 1600 में हिंदुस्तान के कुल भूभाग के लगभग छठे हिस्से पर खेती होती थी, केवल छठे हिस्से पर। आज यह बढ़कर आधा तक पहुंच गया है। इन सदियों के दौरान जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई और खाद्य पदार्थों की मांग भी वृद्धि हुई, उनके मांग में भी वृद्धि हुई, क्योंकि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी वैसे वैसे लोगों की पेट भी बढ़ेगा, पेट बढ़ेगा तो खाइबे करेंगे। आप लोग कुछ देखोगे, कभी कभी रील्स स्टेटस में दिख जाता है, कुछ लोग बहुत ज्यादा खाते हैं, बड़ा बड़ा प्रांत में खाते हैं, तो वो लोग रावण के खानदान से आए हैं, राक्षस हैं वो, कलयुग के राक्षस। वैसे वैसे किसान भी जंगलों को साफ करके खेती की सीमाओं को विस्तार देते गए। जैसे जैसे डिमांड मांग बढ़ा वैसे वैसे जंगलों को काटकर जितने भी किसान थे खेती के लिए इस्तेमाल करने लगे। औपनिवेशिक काल में खेती में तेजी से फैलाव आया, क्योंकि वहां पर उनके शहर बस रहे थे तो उनके लिए अनाज ले जाना जरूरी था। यह आप दृश्य देख सकते हैं, इसमें जितने भी जानवर दिख रहे हैं इस जानवर को बीसन बोला जाता था, बीसन। तो इनकी इनका कोई काम ही नहीं होता था, ना ही इसको पाल सकते थे ना ही इसको खुला छोड़ सकते थे। इसलिए अंग्रेजों ने क्या किया, औपनिवेशिक शासकों ने क्या किया, 1860 के दशक में, 1860 के बाद बीसन की बहुत बड़ी संख्या में हत्या की गई और इनके हड्डियों को, चमड़ों को इस्तेमाल किया गया। किस चीज में? चमड़े का इस्तेमाल किया गया, जूता, लेदर का, जो भी सामान बनता है उसमें, और इनके सिंग, इनके हड्डी, इसका इस्तेमाल किया गया सुनहरे कुछ कुछ बनाने वगैरह में, चाहे जड़ी बूटी तो बनता ही नहीं था इनके हड्डी से, इनके हड्डी से सजावट का सामान बनता था तो वही बनाते थे। इसकी कई वजह थी। पहली, अंग्रेजों ने व्यावसायिक फसलों जैसे पटसन, गन्ना, गेहूं और कपास के उत्पादन को जमा कर प्रोत्साहित किया, खूब जम कर प्रोत्साहित किया इसको, कि ज्यादा उगाओ हम ज्यादा बेचेंगे। 19वीं सदी के यूरोप में बढ़ती शहरी आबादी, जब यूरोप में 19वीं सदी में आबादी जब बढ़ गई तो आबादी का पेट भरने के लिए खनन और औद्योगिक उत्पादन के लिए कच्चे माल की जरूरत थी, लिहाजा इन फसलों की मांग में इजाफा हुआ। दूसरा वजह यह थी कि 19वीं सदी की शुरुआत में औपनिवेशिक सरकार ने जंगलों को अनुपात समझा, मतलब वो समझे कि जंगल तो काट देते हैं फिर जंगल आ जाएगा, काहे को टेंशन लेने का है, तो ऐसे सोचकर वो लोग जंगल को काटते 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 चले गए। उनके हिसाब से इस बेवर्थ के बियाबान पर खेती
खेती करके उससे राजस्व, राजो को मतलब कोई भी राज्य को चुकाने वाले कर को बोलते हैं, जो टैक्स चुकाते हैं उसको राजस्व कर बोलते हैं। तो राजस्व और कृषि उत्पादकों को पैदा किया जा सकता था, और जितना खेती होगा उतना ही हम दूसरों से कर भी ले सकते थे। इस तरह राज्य की आय में बढ़ोतरी की जा सकती थी। जितना ज्यादा खेती उतना ज्यादा टैक्स, जब जितना टैक्स तो राज्य के आय में, मतलब राज्य जब कमाएगा तो उससे बेहतर कमा सकता है। यही वजह थी कि 1880 से 1920 तक, कितना, 40 सालों में, 40 सालों के बीच खेती योग्य जमीन में उनके क्षेत्रफल बढ़ाकर पूरा का पूरा 68 लाख हेक्टेयर की बढ़ोतरी हुई थी। खेती वाले जमीन में 68 लाख हेक्टेयर की बढ़ोतरी कर दी गई थी केवल 40 सालों में। खेती के विस्तार को हम विकास का सूचक मानते हैं, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए, जमीन को जोतने से पहले जंगलों की कटाई करनी पड़ती है। आज जितना भी आप देख सकते हो अपने आस पड़ोस इलाके में, वो सारा इलाका जंगल का होता था। जो भी शहर बसा है, शहर जंगल काटकर ही बसा है। शहर के नीचे जंगल था, जंगल पहले बहुत जंगल था। मैं जिस इलाके में रहता हूं, यहाँ पर हिरन का जंगल था, इसीलिए इसको सारण्य बोलते हैं। सारण का मतलब होता है हिरणों का एरिया। तो यहां पर सारंगी ऋषि भी रहते थे, लेकिन यहां पर सारे जंगलों को काट दिया गया और एकदम सारे टाउन को बसा दिया गया यहां पे। ये पढ़ो बॉक्स वन। किसी स्थान पर खेती ना होने का मतलब उस जगह का गैर आबाद होना नहीं है। अगर किसी जगह पर खेती नहीं हो रहा है तो जगह बर्बाद नहीं होता। जब गोरे आबादकार ऑस्ट्रेलिया पहुंचे तो उन्होंने दावा किया कि यह महाद्वीप खाली था। ये बोले कि यह जगह जो है ऑस्ट्रेलिया का, यह खाली था। वास्तव में ये आदिवासी पंथ प्रदेशकों के नेतृत्व में पुरातन रास्तों से इस भूभाग में पृष्ठ, मतलब उसके रास्ते से ही गए थे, पुरातनों के रास्ते से। ऑस्ट्रेलिया के विभिन्न आदिवासी समुदायों को अपने अस्पष्ट विभाजित इलाके थे, मतलब उनके अलग अलग विभाजन का इलाका था। ऑस्ट्रेलिया के नागर रिंजेरिया की अपनी जमीन की आकृति इनके पहले पूर्वज, जो इनके पहले पूर्वज थे जिनका नाम था नागुरुन देरी के प्रतीकात्मक शरीर जैसे थी ये जमीन। जितना भी है, यह जमीन पांच अलग अलग प्राकृतिक प्रदेश, जिसमें खारे पानी, झील, नदियां, रेगिस्तानी मैदान, नदी तटीय मैदानों में अपने में समेटे हुए थे, मतलब ये सब वहां पर था। खारे पानी मतलब समुद्र, झील मतलब बीच नदियों वाला, झाड़ियां, झाड़ियां में आ जाएगा आपको बहुत बड़ा बड़ा जंगल, इसमें रेगिस्तान मैदान, और उधर भी रेगिस्तान था, और नदी तटीय मैदान, नदी से सटा हुआ जो जमीन होता है उसको नदी तटीय मैदान बोलते हैं, जहां पर खेती बाड़ी होता है। तो ये सब जगह वहां पर थे, जो अलग अलग सामाजिक आर्थिक जरूरतों को पूरा किया करते थे, और एक अलग अलग दृष्टिकोण से बांट दिया गया था, और इनके मुखिया शायद अलग अलग रख दिए गए होंगे। स्रोत का परती जमीन पर कब्जा करके उसे खेती के योग्य बनाया जाए, यह विचार सारी दुनिया के उपनिवेशकों के बीच शुरू से ही लोकप्रिय रहा है। यही वह विचार था जिसने विजय को नियोजित किया था, विजय को नियोजित ठहराया था, जीतने को मतलब सही ठहरा दिया था। अमेरिकी लेखक जिनका नाम था रिचर्ड हार्डिन, 1896 में मध्य अमेरिका के होंडुरास के बारे में लिखते हैं। वहां की जगह था होंडुरास, उसके बारे में कुछ लिखते हैं। आज इससे बढ़कर रोचक सवाल कुछ और नहीं है। नहीं हो सकता कि दुनिया की गैर विकसित पड़ती जमीन का क्या किया जाए।
क्या इसे उस महान शक्ति के हाथों में जाना चाहिए जो इसके परिवर्तन की इच्छा रखती है, या कि इसे इसके वास्तविक स्वामी के हाथों में रहने देना चाहिए जो इसके मूल्य को नहीं समझ सकता। यह मध्य अमेरिकी एक सुसज्जित घर में अर्थ बर्बरों के गिरोह जैसे हैं, जो न तो इस घर का उपयोग ही कर सकते हैं और न ही इसमें आराम कर सकते हैं। मतलब ये समझा जा रहा है कि उनको जमीन दे दिया जाए जो इस जमीन का मतलब ही नहीं समझते, इस जमीन का कोई उपयोग ही नहीं करते, जमीन रहने का क्या फायदा जब उसका इस्तेमाल ना किया जाए। तो बात है, जमीन रहने का फायदा है कि वहां पर जंगल लगाए जा सकते हैं, लेकिन ये लोग सारे जितने भी औपनिवेशिक सरकार थे, औपनिवेशिक शासन में जितने भी यहाँ पर लीडर थे, चाहे जो भी वहां का मेन लीडर हो गया, वो कहता था कि नहीं, हर जमीन का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। इसलिए आप जाओगे हिंदुस्तान छोड़, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल छोड़कर आप जाओ, अमेरिका जाओ, लंदन जाओ, पेरिस जाओ, सिंगापुर जाओ, ठीक है, रसिया के मेन टाउन में जाओ, रसिया के तीन और शहर हैं, उसके बाद से आप मॉरिशस जाओ, वहां पर आप देखोगे, चाहे ऑस्ट्रेलिया जाओ, यहां पर जाकर देखो, रोड रोड के नीचे क्या है, नाला, रोड के सटे हुए घर हैं, और एक नदी आता है, जो नदी के लिए एक पूरा ढाला हुआ जगह छाप दिया गया है, उसी में उसको जाना है, उसके अलावा वो कहीं नहीं जा सकता है। डिसिप्लिन ऐसा कि घर घर आपस में जोड़े गए हैं, रास्ते भी आपस में जोड़ दिए गए हैं, एक जगह को भी नहीं छोड़ा गया है, केवल कुछ पेड़ लगाने के लिए जगह छोड़े गए हैं, वहां पर पेड़ खत्म होता है फिर दूसरे के पेड़ को लगा दिया जाता है, और नहीं तो जरूरत पड़ने के हिसाब से और भी पेड़ वहां पर बढ़ाए जाते हैं। तो कोई भी जगह का इस्तेमाल गलत नहीं करते हैं, ना ही उसको छोड़ते हैं, सबका इस्तेमाल कर लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं, ठवा ठैया एगो दूगो घर बनाते हैं, लेकिन वो लोग नहीं, एक बार कंपार्टमेंट बनता है, कंपार्टमेंट को लोग खरीद लेते हैं, उसके अनुसार ही उसमें वो लोग रहते हैं, जिसमें लिफ्ट रहता है, टाइल्स रहता है, सारा सिस्टम रहता है, पानी रहता है, जो चाहोगे सो मिलेगा, एक सोसाइटी मिलेगा, एक पढ़ी लिखी समाज मिलेगी वहां पर आपको, पानी की कोई टेंशन नहीं, पार्क की कोई टेंशन नहीं, खेल कूद की टेंशन नहीं, मंदिर की टेंशन नहीं, चर्च की टेंशन नहीं, गुरुद्वारा की टेंशन नहीं, मस्जिद की टेंशन नहीं, जिम वहां पर रहता है, बच्चों को खेलने के लिए वहां पर छोटा सा कैंप होता है, डांस क्लासेस होते हैं, योगा क्लासेस होते हैं, ये सब वहां पर मिल जाता है, लेकिन अपने इलाके में ये सब नहीं मिल पाता है। 3 साल बाद अमेरिकी अधिपत्य को यूनाइटेड फ्रूट कंपनी का गठन किया गया, यह फल के लिए था, जिसने व्यापक पैमाने पर मध्य अमेरिका में केले उगाना प्रारंभ किया, क्योंकि उस समय केला जो बहुत ज्यादा बिकता था, क्योंकि लोग केला खाते थे। इस कंपनी ने इन मूल्यों की सरकारों पर इस हद तक अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया था कि उन्हें बनाना रिपब्लिक के नाम से जाना जाने लगा। वो जितने भी एरिया था, जो कंपनी था यूनाइटेड फ्रूट कंपनी, उसको बनाना रिपब्लिक के नाम से जाना जाता है। आज भी इंटरनेट पर सर्च करोगे बनाना रिपब्लिकल क्या होता है, बनाना रिपब्लिक, तो इसके बारे में आ जाएगा। ये नया शब्द देखो, स्लीपर, रेल की पटरी के आर पार लगे रेल के तख्ते, जो पटरियों को उनकी जगह पर रोकता है। आज आप देखते हो कि पटरी के बीच में कंक्रीट का लगाया गया है, बड़ा बड़ा बीम लगता है, ठीक है, उसी को स्लीपर बोलते हैं। स्लीपर कोच को भी बोलते हैं, लेकिन स्लीपर उसी को बोलते हैं। पहले वो लकड़ी का होता था, और लकड़ी कहां से आता था, साल के वृक्ष से, बड़े बड़े जो वृक्ष होते थे लंबे लंबे, उसके वृक्ष को काट कर उसका चरखुट्टा बनाकर ही जमीन पर रखकर तब उस पर से रेल की पटरियां लगा दी जाती थी। और साल का जो ये डहनी था, स्लीपर था, ये जल्दी सड़ता नहीं था, करीबन 5 साल के लिए तो रहेगा ही, 5 साल के अंदर नहीं सड़ेगा, लेकिन ये लकड़ी 25-25 साल तक चलता था। कितना? 25-25 साल तक, जिसके वजह से लाखों पेड़ काट दिए गए हैं।
पटरी पर स्लीपर, ये देखो पेड़ काटे जा रहे हैं यहाँ पे, कौन काट रहे हैं इसके बारे में भी मालूम चलेगा। सिंह भ्रूम के जंगलों में साल के तनों से स्लीपरों का निर्माण, छोटा नागपुर, मई 1997। छोटा नागपुर क्या? नागपुर मैं बताता हूँ, नागपुर है महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र के ही इलाके में छोटा सा जो जगह होता है उसको छोटा नागपुर बोलते हैं, जो 1997 में पेड़ काटा जा रहा है। रेल की पटरी हेतु स्लीपर बनाने के लिए वन विभाग पेड़ों को काटने और इनसे पटरे बनाने के लिए आदिवासियों को नियुक्त किया करता था, लेकिन उनको अपने घर बनाने के लिए इन पेड़ों को काटने की अनुमति नहीं थी। पेड़ काट सकते हो लेकिन अपना घर बनाने के लिए नहीं काट सकते हो, ट्रेन के स्लीपर बनाने के लिए आप काट सकते हो, बाकी काम के लिए नहीं काट सकते। इसके आगे का हम पढ़ेंगे अगले अध्याय में, सॉरी अगले भाग में। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में मेल दिया गया है वहां पर भी पूछ सकते हैं। और कोई भी चैनल का आपको लिस्ट चाहिए, प्लेलिस्ट, तो आप डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन खोलो, आपको नाम पढ़ सकते हो, नाम पढ़कर चुन सकते हो, ठीक है। वहां पर नीचे एक मेल दिया गया है, उस पर भी आप अपना जो भी दिक्कत है, जो भी इंफॉर्मेशन है दे सकते हैं, अन्यथा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 2, जिस पर आप मैसेज कर सकते हैं, आपको within 24 आवर में रिप्लाई दे दिया जाएगा। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।